अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी जो है वो है मिक्स दाल, पंचमेल दाल, जिसमें हम साई दालें मिक्स करते हैं। ब्राउन वाली होती है, येलो वाली होती है, ऑरेंज वाली, माश के चने की यानी कि धुले हुए मसूर, साबुत मसूर और मूंग की दाल। ये सारी दालें, माश की दाल, अरहर की दाल, ये सब दालें जो है मैंने एक एक मुट्ठी ली हैं। इसको मैंने सोक कर लिया था 1 घंटे के लिए। और उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स आएंगे, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक। और ये मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, इसको मैंने छोटा छोटा इस तरह कट कर लिया। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये हमने पानी एक पतीली में ले लिया है जिसको मैंने आधा फिल कर लिया है। और इसमें हम अदरक लहसुन आप ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। दालें मैंने सब एक एक मुट्ठी ली है और आपको जितनी बनानी है अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं स्पाइसेस भी, ठीक है। और ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। जब इसमें उबाल आना शुरू होगा तब आपने इसमें दालें ऐड करनी है। अगर आप बिना उबाल के दालें डालेंगे तो आपकी अकड़ जाएंगी। तो जब आपका पानी बॉईल होना शुरू हो जाए उसके बाद आपने इसमें दालें ऐड करनी है। शुरू में आपने तेज़ आंच रखनी है और फिर आप मीडियम कर दीजिएगा। और आपने पूरा इसको लिड को पूरे तरीके से नहीं ढकना है वरना आपकी दाल उबल उबल के चूल्हे पे गिरेगी। तो ये देखिए हमारी दाल में उबाल आना शुरू हो चुका है। तो आपने अब इसको जो है मतलब 1 घंटा आपने अच्छे से उसको पहले पकाना है नॉर्मल मीडियम आंच पर। मैंने साथ साथ में चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। या आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। नहीं है तो ऐसा नहीं कि दाल अच्छी नहीं बनेगी, दाल तब भी अच्छी बनेगी। अभी मैंने लकड़ी का चमचा ले लिया जिसको हम घोटे के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं साथ साथ इसको चला के साइडों में प्रेस कर करके इसको अच्छे से घोट रही हूँ। आप मैं जो दाल ना मैं प्रेशर में कभी नहीं बनाती हूँ, हमेशा 3-4 घंटे मैं इसको पहले मीडियम आँच पर हल्की आँच पर पकने देती हूँ तो बहुत बहुत अच्छी दाल बनती है। प्रेशर में मुझे लगता है कोई भी चीज़ प्रेशर में पक तो जाती है लेकिन जो फ्लेवर ख़ुद पकने में आता है ना वो प्रेशर से नहीं आता। तो ये आप देख सकते हैं इसका लुक, ये हमने अच्छे से इसको घोटा लगाया है, प्रॉपर दाल एक दूसरे में घुल मिल गई है अच्छे तरीके से। अब हम जो है तड़के की तैयारी करेंगे। ये 3-4 घंटे बाद मैं आपको बता रही हूँ इसका लुक ये है, ठीक है। अब मैंने जो है 1/2 कप से कम ऑयल लिया है। इसमें मैं 3-4 मैंने छोटी छोटी जवे लिए थे अदरक लहसुन के, उसको छोटे छोटे कट कर लिया है। और इसको आपने पहले इसका कलर चेंज होने देना है, उसके बाद आपने इसमें जीरा डाला। जीरा पहले नहीं डालिएगा क्योंकि जीरा अगर ब्राउन हो जाता है तो वो कड़वा कड़वा टेस्ट देता है, अच्छा नहीं लगता है। और जब लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो बाकी चीज़ आपने डालनी है। हरी मिर्चें मैंने 2-3 छोटी वाली ली थी, 8-10 आपने गोल वाली लाल मिर्चें ले लेनी है। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बिल्कुल काला हो, बस हल्का फुल्का सॉटे करके। बस लहसुन आपको थोड़ा होना चाहिए ब्राउन, बाकी चीज़ें आपने ज़्यादा नहीं फ्राई करनी, ठीक है। फिर आपने इसको तड़का ऊपर से दाल के ऊपर ऐड कर देना। आप चाहे तो तड़के में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे, पुदीने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस मिक्स दाल में। और ये फाइनल लुक है, बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। पराठे से, रोटी से, चावल से, सबसे खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।